press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सचिन पायलट को सीएम घोषित करने की मांग को लेकर गुर्जर समाज के युवाओं ने अलवर के नटनी 12 जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां राजस्थान में जनमत प्राप्त हुआ, वहीं कांग्रेस को अपनी मुख्यमंत्री पद की लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही रस्साकसी अब गांवों तक भी पहुंच गई है। सचिन पायलट के समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में कांग्रेस के बहुमत में आने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही कश्मकश अब सचिन पायलट के पक्ष में सड़कों पर लोग उतरते नजर आ रहे हैं, जिसमें गुर्जर समाज का अहम योगदान दिखाई दे रहा है। अलवर में भी ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आज अलवर के नटनी 12 देव नारायण मंदिर के समीप जयपुर अलवर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया गया है और बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहां इकट्ठा हुए और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई और मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर आगामी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही। ये है कि हमारे जब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गई थी, जब सचिन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो हमारी सर्व समाज में ऊर्जा और जोश भरा था। सभी हमारे सर्व समाज ने ये सचिन को यूथ को देखना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हम राहुल की 25 सीट जिता के देंगे और हमने आपके सब सर्व समाज ने कांग्रेस को वोटिंग की है, कर्जा माफी पर विश्वास किया है और सचिन मुख्यमंत्री पर विश्वास का है कि राहुल जी हमारे सचिन युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे और सर्व समाज की तरफ से हम उनको चाहते हैं कि सचिन जी को बनाया जाए। नटेंगा 12 चौराहे पर गुर्जर समाज के युवाओं ने सड़क पर जाम लगाकर सचिन पायलट को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की और सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों के साथ सड़क पर जाम लगाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को संदेश दिया कि अगर सचिन पायलट को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो गुर्जर समाज सड़कों पर उतरेगा। और इस दौरान सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाते हुए सभा स्थल पर गुर्जर समाज के युवा डटे रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.